तो भाई माशाल्लाह सरप्राइज ये है, मैं आपको बताया नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है सगाई हो गई। अभी जब मैं कतर गया था तो मेरी सगाई हो गई। तो भाई आज ना वाकई में माहौल बन गया। मैंने सरप्राइज दिया अपने पूरी टीम को और बच्चों ने सरप्राइज दे दिया हमें, और इस खुशी में बच्चे जो साथ में आए ना। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है ना बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज कुछ गेस्ट आए हुए हैं। वो कौन है बताने वाला हूँ मैं। उसे किसी ने मुंह धोया नहीं है, यानी बच्चों के समय 10:30। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ईशान भाई कैसे मेरे भाई, आप बताएं कैसे? सब बढ़िया। सुबह सुबह घेर लिया आपने? हाँ सुबह सुबह घेर लिया पूरी तरीके से। तो भाई सीन ये है कि ईशान भाई रात आ गए थे लगभग 3 बजे, और 3 बजे आए थे। उसके बाद थोड़ा फिर हमने जो है नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद लेट गए थे। और अभी भी उठकर एडिटिंग चल रही है, पूरी टीम आई हुई है माशाल्लाह। और आज का प्रोग्राम ये है कि भाई का जोश टॉक पे है। तो जोश टॉक वाले तो बहुत दिनों से बुला रहे थे, भाई डिले कर रहे थे, मेरा डिले मत करो यार, मेरा हो गया, तुम भी आओ आराम से। तो जोश टॉक पे है भाई का, और इनके जो दूसरे भाई हैं उनका भी है। और उसके बाद हमारी जो पूरे दिन की प्लानिंग है वो तो है ही है, साथ में सरप्राइज है वो लास्ट में आपको बताऊंगा मैं। लास्ट में क्या होगा? कुछ होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तभी मैं और भाई से मिलवाता हूँ मैं, उसके बाद जो है फिर हम नाश्ता करते हैं। तो चलता हूँ मैं आपको लेकर के। तो दोस्तों फाइनली हमारा नाश्ता लग गया। एक चीज बताऊँ आपको, हम में से कोई भी एक दमाजी तो नहाए, बाकी कोई नहीं आया। ईशान वगैरह नहा के नाश्ता करना आ गया, मेरे भाई शेर ही मुंह धोते हैं। तो भाई एग्री कर लिया नाश्ते करने के लिए। भाई पता क्या होता है, जब मैं इंडिया में होता हूँ तो इतनी क्रेविंग होती है इंडियन खाने की, क्योंकि थाईलैंड से आया था, 4-5 दिन खाना मिल नहीं पाता। तो भाई हम नाश्ता कर रहे हैं, और भाई ज्यादा कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि भाई बनाने वाला कोई नहीं है। बहुत डिलीशियस जो भी है, बहुत डिलीशियस है, पूरी तो बहुत ही डिलीशियस है जी भाई। इसमें लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आप नाराज चल रहे हैं। और हमारे दामाद जी छोले पराठे वो हमने मंगाए नहीं, हमने मंगाई थी कचौड़ी। तो अभी हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, चाय के सब लगा रहे। चलो कचौड़ी खाओ। अरे जा ना चाय का रिजल्ट क्या जाए, बहुत तगड़े वाले यार। हमारे देश में हमारे दोस्त हैं हुकम भाई, मध्य प्रदेश में रहते हैं। जब वो यहाँ आते हैं ना, बोले अरे भाई तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी, जो खाने के साथ चाय वाला कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने कर दिया, तो उनके साथ हो गया। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों की आदत बिगाड़ दी, जैसे बिना नहाए गए नाश्ता करना। आते लोग ही बिगाड़ दी। तो फाइनली दोस्तों दमाजी तैयार हो गए। दमाजी शक्ल दिखाओ, ये जगत जी दमाजी हो गए, और ये हमारे ईशान भाई। ईशान भाई आज क्या करके मानोगे आज? अरे भाई तो ये है आपके प्यारे अरबाज ब्लॉग, अरबाज भाई। भाई आज मैंने ये काला कुर्ता पहना है। असल में क्या हुआ था, जब मैंने ईद पे था ना 2 जोड़ी सिलवाए थे, वाइट वाला ब्लैक वाला। ब्लैक पहनने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए, एक तो शकल भी काली ये भी, बट यार बहुत भारी है यार ये, तो चिकन वाला कपड़ा है। ये हमने क्यों पहना है सरप्राइज है, शाम को हम आपको बताएंगे। तो फाइनली हम सब लोग तैयार हो गए, और अभी हम जो जा रहे हैं जोश टॉक पर, भाई का इंटरव्यू है, जोश माटी पे भी आएगा, और हमारे दामाद जी का भी इंटरव्यू है जोश टॉक पर आएगा। मेरे तो ऑलरेडी हो चुका है पहले, तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं। और गुड़गांव इनका ऑफिस है, तो 1-1.5 घंटे पहुंच जाएंगे। तो भाई ये है ईशान भाई की कार, और भाई मैं अपनी कार लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थक जाता हूँ कार चलाते चलाते। चलो बैठते हैं। रणवीर कपूर टाइप का कुर्ता पहन रखा है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के वाला। भाई का कोई लुक आ रहा है माशाल्लाह, बहुत भाई। लेकिन लाइट लाइट से चुराइए ना, दमाजी ना चुराइए, चश्मा लगा के पीछे स्मार्ट में लग रहा हूँ। ये लोग सब ऐसे कर रहे हैं भैया, अब जो तुम कह रहे हो वो मानना पड़ेगा भैया। दामाद पूरे मोहल्ले के दामाद भैया। दामाद जी तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, गलती हमारी। फाइनली हम आ चुके हैं जोश टॉक पे, और देखो यहाँ हमारे यूट्यूब वाले मामा भी जोश टॉक पे आ गए। तो ईशान भाई पूरे आ गए, ये इनका ऑफिस है जोश टॉक का। तो भाई मेरा तो ऑलरेडी एक बार हो गया पॉडकास्ट, आज भाई का है, और भाई का भी है आज। तो अभी टाइम की थोड़ी शिफ्टिंग हो गई हमारी, 15 मिनट का उन्होंने टाइम दिया है। चलते हैं अंदर, और बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है आज कि भाई आए हुए। थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों जो है ईशान भाई का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, और ये हमारे सोहेल भाई, ये बहुत प्यारे इंसान है,
नहीं नहीं इंशाल्लाह जरूर आएंगे, बल्कि आप बिरयानी खाने के आगे हम लोग वहीं के ही हैं। हाँ भाई गए। तो आज एक बार फिर से अरबाज भाई जो स्टॉक में आए थे, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे, तो एक बड़े लोग जो हैं अरबाज भाई भी हैं उनमें शामिल। आज ईशान भाई जो इनको आप जानते हैं ईशान 11 के नाम से, बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आए थे। एजाज अली उनके बड़े भाई आए थे, तो बहुत जल्दी उनकी कहानी आने वाली है जोश स्टॉक्स पर भी और जोश माटी पर भी, तो आप लोग देखिएगा। और अरबाज भाई को तो आप देख ही चुके हैं भाई साहब, ये टिकते नहीं है कभी कहीं, कभी कहीं मैंने इन्हें सजेस्ट किया है थोड़ा सा अफ्रीका अफ्रीका घूम कर आए। अब आपने कह दिया, अब मैं जाऊंगा। ईशान भाई सब कुछ बढ़िया रहा? चलो 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 भाई चलो आ जाओ भाई। तो ओवरऑल भाई बहुत अच्छा रहा। अभी हमारी प्लानिंग क्या है, घर चल रहे हैं और घर रूम पर चलने के बाद एक सरप्राइज है जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो भाई फाइनली हम जाके नगर आ गए और मोबाइल की रोशनी जो है कम है, तो भाई भूख लग रही है बहुत तेज, बहुत तेज। लंच हमारा स्किप हो गया आज है, स्किप हो गया भाई। सुबह का नाश्ता करके हम लोग गए थे जी, और 6 बज गए हम लोग को इंटरव्यू में। हाँ, और अभी हम डिनर करने वाले। डिनर कहाँ करेंगे मैं वो भी शॉप दिखाता हूँ आपको। तो भाई आज हम डिनर करने वाले जावेद बावर्ची रेस्टोरेंट, ये मेरा सबसे फेवरेट, जब मैं आता हूँ ना तो बिरयानी खाता हूँ। कैसे भाई, ठीक है? खाना लगवाता हूँ माशाल्लाह ऊपर है। तो भाई ये हमारी पूरी टीम बैठ चुकी है, मैं एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हमारे इस्माइल भाई माशाल्लाह, ये हमारे फिरोज भाई, ये पूरे टीम की जो है मतलब वीडियो एडिट करते हैं। ये हमारे दमा साहब, दमा साहब कैसे हो? अच्छा बताएं। बस एकदम फर्स्ट क्लास यार, इतना दहेज तो मांगते रहते हो यार। नहीं मांगूंगा, आप दोगे लो। हाँ मैं दूंगा। और ये हमारे ईशान भाई, ये तो मेन आदमी आए, ठीक है? तो टेबल वगैरह लग चुकी है, अभी डिनर आता है, डिनर करते हैं, उसके बाद जो सरप्राइज है ना वो आपको देने वाले हैं। तो ये फाइनली यहाँ की बिरयानी आ चुकी है। एक चीज़ यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, सबसे अच्छी इनकी चटनी लगती है। एक बार अगर आए ना आप तो जावेद बावर्ची की जब बिरयानी आप जो है चेक करें। भाई ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बहुत अच्छी मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इनकी, स्पेशली इनकी चटनी। चलो खाते हैं। स्टार्ट ही नहीं करा था, अभी स्टार्ट करा है। मैं समझा भाई ने करके दिया है। ईशान भाई टेस्ट कैसा बिरयानी का, सही बताओ? बहुत टेस्टी है बिरयानी, बहुत टेस्टी है, आपकी पसंद भाई बहुत अच्छी है। बाकी में ना चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, स्पेशली जो चटनी है ना बहुत शानदार। चल आपने तारीफ कर दी, ये काफ़ी हो गया। तो भाई अभी हमने मंगाई है नहारी और ये है चिकन कौरमा। इनकी सारी चीज़ अच्छी होती है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, मुझे तो चटनी बहुत शानदार लगी है भाई। यहाँ पर ना ये जो दूध वाली रोटी है, इसे हम खमीरी बोलते हैं, दूध वाली रोटी है, 12 रुपये की रोटी होती है। और ये भाई इससे सर चिकन कौरमा के साथ ना हटो बचो वाला टेस्ट है, बहुत शानदार वाला। कैसी लगी नहारी? ऐसे तो नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हो? बहुत टेस्टी है, सही है रियल में। ये वाली रोटी टेस्ट करो, इसका टेस्ट बताओ मुझे कैसा है। ये वाली अगर आप आए ना होटल में तो ये वाली रोटी लेना, दूध वाली 12 रुपये की, और ये खाना आप कौरमा के साथ। इस्माइल भाई कैसा लगा खाना? ओके ना फिरोज भाई, ओके की रिपोर्ट है। तो भाई फाइनली हमारा जो है डिनर वगैरह हो गया, अभी हम चले रूम पे। और भाई माशाल्लाह हमें यहाँ जाके नगर में जब होते हैं तो बड़ा प्यार मिलता है। ईशान भाई कैसे फील हुआ जाके नगर में आपको हमारे? बहुत अच्छा फील हुआ, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, मिल रहा है ना प्यार तो। तो अभी हम रूम पे चल रहे हैं और सरप्राइज करते हैं इंशाल्लाह। तो भाई माशाल्लाह सरप्राइज ये है, मैं आपको बताया नहीं था कि अलहमदुल्ला मेरी जो है सगाई हो गई। अभी जब मैं कतर गया था तो मेरी सगाई हो गई, इस बात का मैंने किसी को नहीं बताया। तो मैंने सोचा चलो मैं आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये हमारा मसला है, और आज देखोगे आज मैंने पहली बार जो कुर्ता पजामा पहना, थोड़ा शौक हो गए सारे के सारे लोग शौक हो गए, इन्हें पता नहीं था इस चीज़ का। तो अभी हम केक लेकर आए हैं, केक काटेंगे, तो हमारी प्लान है। अच्छा बाहर कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ गए हैं, उनसे भी हम मिलेंगे, लेकिन हमारी प्लानिंग है कि पहले हम केक काटें और उसके बाद। भाभी बहुत अच्छी है लेकिन भाई, हैं भाभी बहुत अच्छी है, भाई ने मुझे रात बता दिया था। भाई थोड़ा यार नाराज मत होना, इसलिए नाराज वाली कोई बात नहीं, ये अपना बताया नहीं, बात हो रही तो हमने मुझे बता दिया भाई, लेकिन मुझसे मना कर दिया। नहीं नहीं बताने के लिए बहुत खुशी हुई बल्कि इस चीज। अच्छा अच्छा, क्या फेवरेट टीम में आने वाले हैं? बहुत बहुत दामाद जी बनने वाले हैं, आप भी दामाद जी बनने वाले हो। तो भाई अभी ना बच्चे आ गए थे बाहर ईशान भाई से मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मैंने अभी थोड़ा देर रोक दिया, मिलेंगे उनसे आराम से। तो पहले हम केक काटते हैं। भैया बधाई तो तुमने दी यार मुझे, आज मैंने पहली बार कुर्ता पजामा पहना, कुर्ता पजामा से लोग समझ गए थे कि मसला क्या है। आज भी तो आपने बताया, छुपा के यार नहीं, मुझे लगा ये
मसला इस तरह का था कि हम आपको बता नहीं पाए, तो मसला ये है केक ये है भाई, ये है माशाल्लाह कि आज हमारे YouTube वीडियो पर हमने एक वीडियो बनाई थी कोलैबोरेशन में, मैंने और ईशान भाई ने पहली बार जिंदगी मैंने कोलैब किया था। मुझे डर लग रहा था कि यार मैं एक्टिंग करूंगा वो सही जाएगी गलत जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो में 24 मिलियन व्यूज पूरे हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग पसंद करेंगे, 24 मिलियन व्यूज, और वो वीडियो 3 दिन तक ट्रेंडिंग में चलती रही। तो सरप्राइज ये था, कोई सगाई नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई सगाई नहीं है, कुछ नहीं। आओ नवेद भाई, नवेद भाई शो कर रहे हैं, मुबारकबाद। हां नहीं, कोई सगाई कुछ नहीं हुई है, चोरी भी खूब की लोगों ने, मतलब पता पहली बार मुझे डर लग रहा था यार, लेकिन ईशान भाई को कॉन्फिडेंस था, क्या बात भाई करो। तो फिलहाल हम जो है 24 मिलियन व्यूज का केक काट रहे हैं, रिकॉर्ड बन गया, कभी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी, भाई को तो कॉन्फिडेंस था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने केक काट लिया। उसकी रील हमने जो है इंस्टाग्राम पे डाली है, मुझे फॉलो करें, भाई को फॉलो करें, और सबके यहाँ अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, मैं मेंशन कर दूंगा, सबको फॉलो करें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है केक काट रहे हैं 24 मिलियन का, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और ईशान भाई, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो हमारा दामाद जी का था, जो थे दामाद जी लल्लू लल्लू दामाद जी, कैसे हैं आप? उसके बाद जब टीम काम करती है ना, तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, जो अक्सर आप सामने से तो देखते हो, पीछे नहीं देखते हो। एडिटिंग का जो काम होता है फिरोज भाई का होता है, फिरोज भाई आपकी जो एडिटिंग होती है वो कमाल कमाल होती है। उसके बाद इस केक को जो ऑर्गेनाइज किया है, और ये हमें सरप्राइज दिया, वो हमारे नवेद भाई ने दिया, नवेद अख्तर। जब मैंने कार ली थी उस समय उन्होंने सरप्राइज दिया था, और आज भी सरप्राइज दिया, और ये अक्सर सरप्राइज देते हैं बड़े भाई के तरीके से है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर देखो तो ये हमारे नवेद भाई है, कैमरे के पीछे जो है मकसूद भाई है, मैं उन्हें दिखाऊंगा, वो भी केक खाएंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया आपने, मैंने सोचा नहीं था कि यार आप 24 मिलियन व्यूज, मतलब मेरे लिए एक नई चीज थी, जब मैं कर रहा था ना डर रहा था, लेकिन आप बार बार कह रहे दरवाज यू कैन डू, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आगे हमारी कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़े लेवल का, बहुत अच्छा प्लान है भाई साहब, को फिर से देखोगे आप और बेहतरीन करते हुए, बेहतरीन करते हुए देखोगे। और भाई इस समय तो हमने रील पे ना धमाल मचा रखा है, कोलैबोरेशन कर रखे हैं, रील का जो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना फॉलो वाला बटन है, उसे तोड़ दो, कुछ भी करो, बट ये फॉलो हो जाने हैं। तो एक बार ना पब्लिक के लिए जाता हूं, पब्लिक के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि पब्लिक का बहुत रिस्पॉन्स होता है। हम जो है ना, बस सब कुछ आपकी बदौलत है, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं हो। परसों मेरा इवेंट था, एक वक्त ऐसा आया कि मैं इमोशनल होने लगा, लेकिन मैं 8 बजे तक रुका पब्लिक के लिए। देखो ये बच्चे आ गए, ऐसे मेरी है? अरे बहुत प्यार, क्या नाम है बेटा आपका? है आजा, मेरा नाम क्या है नहीं पता? अरे बात चलो, लो 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 खाओ खाओ लो लो। आपने मकसूद भाई को देखा, ये मकसूद भाई हमारे जो वीडियो बना रहे शूट कर रहे थे, तो भाई आज ना बाकी में माहौल बन गया, मैंने सरप्राइज दिया अपने पूरे टीम को, और बच्चों ने सरप्राइज दे दिया हमें, और इस खुशी में बच्चे जो साथ में आए ना, बहुत अच्छा लगा, कितने मासूम बच्चे हैं यार, मतलब मजा आ गया। और एक तो हमारे ये 2-3 पड़ोसी हैं हमारे, ये देखो, और ये जिनसे हमारी मुलाकात कभी कभी होती है, क्या नाम है? आया। आपका? हिफ्ज़ा। माशाल्लाह, आज आप पता है इस ब्लॉग में आ रहे हो, आप कल ब्लॉग देखोगे आप यूट्यूब पे, क्या सर्च करोगे? अरबाज ब्लॉग्स, क्या सर्च करोगे? वहां से मिल जाएगा, है? सब्सक्राइब जरूर करना है, वो क्या करना है, फॉलो भी करना है, इंस्टाग्राम पे भी करना है, सबके अकाउंट है ना इंस्टाग्राम पे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और ईशान भाई आप जो आए ना, वो दिल खुश हो गया भाई, पता है जाकिर नगर में जब कोई आता है ना, तो एक अलग फील आता है कि यार तोड़ चुके हम, जाकिर नगर में कोई आ रहा है और अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम इस ब्लॉग का एंड करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर को क्या करना है बच्चों को, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।